Hey, welcome to GeoMind. Today we are going to start the part 10 of igneous petrology. And in this video, we will discuss the ternary eutectic system. All right. So, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले की वीडियोस में हमने बाइनरी फेज डायग्राम्स को डिस्कस किया था. एंड जो पार्ट 9 था, यानी कि इससे पहला वाला वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था बाइनरी पेरिटेक्टिक सिस्टम. ओके, सो दिस वॉज द वीडियो. तो टर्नरी वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन वीडियोस को जरूर देखें. एंड अगर आपका फेज रूल वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच द पार्ट 6 वीडियो. ओके, सो दिस वन, इसमें मैंने फेज रूल को अच्छे से समझाया एंड कंपोनेंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड थॉरली इन दिस वीडियो. ठीक है, कंपोनेंट कैसे चूज करना है, ऑल दीज थिंग्स. सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट if you do not have the concept of phase rule. okay, so ternary system ko shuru karte hain. mera naam hai Swapnil Singh Bist, and if you are a student of geology or geography, earth science, please subscribe to the channel. agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya hai aur mere telegram group ko join karne ke liye, aap jo niche video ke niche jo description hai usme maine link de rakha hai, so you can join the telegram group. all right, to jaise ki aap yahan screen pe dekh rahe ho, humne वन कंपोनेंट सिस्टम को ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हिट इस ऑल दिस. ओके, एंड इन टू कंपोनेंट सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड द बाइनरी यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायऑक्साइड एनोर्थाइट, सॉल्यूट सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एल्बाइट एनोर्थाइट, एंड बाइनरी पेरिटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरस्टोइड एंड क्वार्ट्ज. एक्सोल्यूशन ऑफ एल्कलिक फेल्डस्पार्स वी हैव नॉट डिस्कस्ड, तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. राइट, सो इन थ्री कंपोनेंट सिस्टम वी हैव थ्री टाइप्स. ऑलराइट, सो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टर्नरी यूटेक्टिक सिस्टम या टर्नरी यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायऑक्साइड एनोर्थाइट एंड फॉरस्टोइड. ओके, एंड अदर टू आर टर्नरी पेरिटेक्टिक ऑफ फॉरस्टोइड क्वार्ट्ज एनोर्थाइट, टर्नरी कोटेक्टिक ऑफ डायऑक्साइड एनोर्थाइट एंड एल्बाइट. तो जो टर्नरी सिस्टम होते हैं, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि तीन कंपोनेंट होते हैं. ओके, सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स. एंड जो ये तीसरा कंपोनेंट आने से होता क्या है कि जो विजुअलाइजेशन होता है फेस डायग्राम का, वो थोड़ा टफ हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, तीन कंपोनेंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं एंड हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर भी है. तो प्रेशर को तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं. राइट, जैसे कि हम बाइनरी फेज में रख रहे थे, तो प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो दिस बिकम्स अ आइसोबारिक सिस्टम. ठीक है, तो अब हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर एंड तीन कंपोनेंट आ चुके हैं, लेकिन इसमें तीसरा जो कंपोनेंट रहेगा, ओके, वो इनवैलिड रहेगा. क्योंकि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं एंड दोनों कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अगर चूज कर सकते हैं, तो तीसरा कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा. राइट, क्योंकि तीनों का सम क्या रहेगा सिस्टम में, 100% रहेगा. राइट, सो इफ वी हैव, लेट्स से कि पहला जो कंपोनेंट है वो 30% है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो 70% है, तो ऑलरेडी हमें तीसरा कंपोनेंट चूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, वो क्या आ जाएगा, सॉरी, लेट्स से कि ये 40% है. ओके, सो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो 30% आ जाएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिटन द थर्ड कंपोनेंट हियर. बट जो ये वेरिएबल्स हैं, इसकी वजह से हमें विजुलाइज करने में थोड़ा दिक्कत होती है. ओके, सो देन सिस्टम इज मेड आइसोबारिक, सो दैट सिस्टम कैन बी कंसीव्ड इन 3D. तो इसको हम 3D बना लेते हैं, लेकिन 3D भी, 3D में भी दिक्कत है. 3D इसलिए दिक्कत है क्योंकि टेक्स्ट बुक के लिए 3D डायग्राम थोड़ा टफ हो जाता है. ऑलराइट, सो जो ये रियल डायग्राम है टर्नरी सिस्टम का, ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, यहाँ पे हमारे X, Y, Z ये तीन कंपोनेंट है. ओके, एंड X, Z, Y, Z एंड X, Y के बीच हमारे पास यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन का सीक्वेंस है. अगर आप इसको देखेंगे, यानी कि अगर इस साइड से देखेंगे, एक्स जेड साइड से, इमेजिन दिस इन 3D. ओके, तो अगर आप यहां से देख रहे हैं, राइट, तो आपको क्या दिखेगा, एक यूटेक्टिक सिस्टम जरूर दिखेगा यहां पे. ठीक है, जेड और एक्स के बीच कुछ इस तरीके का. राइट, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपके पास एक और यूटेक्टिक सिस्टम दिखेगा बिटवीन वाई एंड जेड. राइट, कुछ इस तरीके का. और अगर आप
इस बैकवर्ड साइड से देखेंगे, पीछे से देखेंगे इसको, तो आपके पास y एंड x का सिस्टम देखने को मिलेगा, यूटेक्टिक सिस्टम। अब यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस देखें इसको, ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इस डायग्राम में आपको तीन यूटेक्टिक सिस्टम दिख रहे हैं, लेकिन एक तो हमारे पास कितने पॉइंट है, तीन यूटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है, ये एंड ये, लेकिन एडिशन ऑफ वन कंपोनेंट मेक्स दिस सिस्टम अ टर्नरी यूटेक्टिक। तो एक और हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है जो कि तीनों यूटेक्टिक सिस्टम को मिला रहा है, जो कि हमारे पास इसको यहां पे थर्मल बेसिन लिखा गया है, लेकिन हम इसको टर्नरी यूटेक्टिक भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा 3D डायग्राम। अब जो यहां पे लिक्विडस सरफेस है, ये कुछ ऐसे स्लोपिंग साइड्स हैं, ठीक है, लुक्स लाइक अ हिल स्लोप, राइट, ये आपको हिल स्लोप की तरह दिख रहा है, ये वाला पोर्शन एंड ये जो आपको स्क्रीन की तरफ आ रहा है आपके, ठीक है, एंड जो ये बीच में जो ये है, ये वैलीज की तरह है, राइट, तो इसको हम थर्मल वैली भी बोल सकते हैं। इमेजिन दिस एज अ टोपोग्राफिक रिलीफ कॉन्टूर मैप, ठीक है, तो कॉन्टूर आपको पता है कि अगर आप टोपो तो बीएससी में भी आपने पढ़ी होगी टोपोग्राफी, राइट, तो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, इक्वल एलिवेशन के लाइंस रहती हैं, राइट, तो अगर आपको इसको समझना है तो इसको आप कह सकते हो कि ये इक्वल टेम्परेचर की लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर्स इक्वल हैं, तो इनको हम आइसोथर्म भी बोलते हैं, राइट, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो ये आइसोथर्म्स हैं, ऑलराइट, तो ये वैली आपस में मिलके एक डीपेस्ट पॉइंट पे मिलके आ रही हैं, जो कि है हमारा टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट, ऑलराइट। तो ये बात रही डायग्राम की, 3D डायग्राम की, लेकिन टेक्स्ट बुक के लिए 3D डायग्राम थोड़ा टफ हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका पॉलीथर्मल प्रोजेक्शन करना पड़ता है, ओके, प्रोजेक्शन। तो अगर आप देख रहे होगे यहां पे, हमने इसको प्रोजेक्ट करके एक नीचे एक ट्रायंगल बना दिया है, दिस ट्रायंगल, ओके, तो ये ट्रायंगल हम पढ़ेंगे अभी इसमें, तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, एक्चुअली ये वाला है जिसको हमने प्रोजेक्ट कर रखा है यहां पे, ओके, तो वो यही कहना चाह रहा है कि द टॉप सरफेस ऑफ द डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स कर्व्ड लिक्विडस सरफेस सिमिलर टू थ्री हिल्स विद समिट्स डायऑक्साइड अनऑर्थाइट एंड फॉरस्ट्राइट, ओके, तो इसको आप समझिए कि ये तीन हिल की तरह हैं और समिट किसकी है, जैसे अनऑर्थाइट है टॉप पे, यहां पे डायऑक्साइड है, यहां पे फॉरस्ट्राइट है, ठीक है, और ये स्लोपिंग सरफेसेस हैं 3D में, लेकिन हमने इसको प्रोजेक्ट करके एक ट्रायंगल बना दिया है, ओके, सो दीज वैली बॉटम्स आर सिमिलर टू स्ट्रीम्स इन टोपोग्राफिक सेंस, ठीक है, जैसे कि आपको माउंटेन्स के बीच में, दो माउंटेन के बीच में स्ट्रीम्स मिलती है, वैसे ये बीच में ये थर्मल वैलीज हैं, ओके, एंड दे आर मीटिंग एट अ लोवेस्ट पॉइंट, जो कि टेम्परेचर का लोवेस्ट पॉइंट है, टेम्परेचर यहां पे हमने कॉन्टूर के एग्जाम्पल में ले रखा है, ठीक है, जैसे कॉन्टूर्स होते हैं वैसे यहां पे टेम्परेचर है, ठीक है, सो दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द लिक्विडस सरफेस ऑफ द डायग्राम, तो इसको हमने प्रोजेक्ट करके एक ट्रायंगुलर डायग्राम बना दिया है। अब हम देखते हैं इसको, जो ट्रायंगुलर डायग्राम हमने बनाया है वो जो मेन डायग्राम है वो ये है, ठीक है, अब यहां पे हमारा टॉप पे हमारा अनऑर्थाइट है, अनऑर्थाइट आपको पता है क्या होता है, सी ए प्लेजोक्लिस, राइट, फॉरस्ट्राइट इज योर एम जी ओलिविन एंड डायऑक्साइड इज योर क्लाइनोपायरोक्सिन, ओके, इसको हम सी एम जी पायरोक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, अब यहां पे जो ये लाइंस हैं वो थर्मल लाइंस हैं, आइसोथर्म्स हैं, ठीक है, दीज लाइंस हियर 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, ठीक है, तो यहां से लेके हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, ओके, फिर यहां से 1500 से लेके हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, 1392 से लेके हम
डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात रही इस ट्रायंगुलर डायग्राम की। अब हमने देखा था 3D में ये एक वैली स्लोप की तरह है, राइट, और ये बीच में एक क्या है, थर्मल वैली है, ये वाला लाइन जो कि दो फील्ड को जोड़ रहा है, फॉरेस्टोइड प्लस लिक्विड फील्ड को एंड डायऑक्साइड प्लस लिक्विड फील्ड को, राइट। इन दोनों को कौन सा जोड़ रहा है, ये वाली लाइन जोड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कोटेक्टिक कर्व, ठीक है। वैसे अनॉर्थाइड प्लस लिक्विड फील्ड एंड फॉरेस्टोइड प्लस लिक्विड फील्ड को कौन सी लाइन जोड़ रही है, ये वाली लाइन, ओके। तो ये भी एक कोटेक्टिव कर्व है, एंड डायऑक्साइड एंड अनॉर्थाइड वाले फील्ड को ये वाली लाइन जोड़ रही है। सो हमारे पास थ्री कोटेक्टिव कर्व्स हैं, ओके। सो कोटेक्टिव कर्व्स सेपरेट द लिक्विड सरफेस इनटू थ्री एरियाज, ठीक है। कौन कौन से एरिया है, फॉरेस्टाइड लिक्विड, डायऑक्साइड लिक्विड एंड अनॉर्थाइड प्लस लिक्विड। और ये जो एम पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वो है हमारा टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एम जो पॉइंट दिख रहा है आपको, वो है हमारा लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट थर्मल पॉइंट, जिसका टेम्परेचर कितना है, 1270 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, ठीक है, फॉर दिस सिस्टम, डायऑक्साइड अनॉर्थाइड एंड फॉरेस्टाइड सिस्टम। अगेन यू कैन विजुलाइज इट लाइक दिस, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो, ये वाला डायग्राम जो है इस तरीके से, ओके। नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी यूज द फेज रूल टू एनालाइज द क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ मेल्ट्स इन दिस टर्नरी सिस्टम। तो लेट्स से कि हमारे पास ट्रायंगुलर डायग्राम में एक लिक्विड है, जिसका लेट्स से कि एक लिक्विड है, ए लिक्विड, ठीक है, यहां पे ये वाला पॉइंट, और उसका कंपोजिशन है हमारे पास डायऑक्साइड 36, अनॉर्थाइड 10 एंड फॉरेस्टाइड 54, ठीक है। डायऑक्साइड 36% है, अनॉर्थाइड 10% है एंड फॉरेस्टाइड हमारे पास 64% है, राइट, सॉरी 54% है, ओके। तो ये लिक्विड है पूरा, ठीक है, एंड इट इज अबव 1700 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट, अबव 1700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये पूरा का पूरा लिक्विड है। अब क्या होगा अगर हम इस पे फेज रूल अप्लाई करेंगे, तो फेज रूल क्या होता है, पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, फेज हमारे पास वन रहेगा क्योंकि ओनली लिक्विड है हमारे पास अभी, तो वन प्लस एफ इज इक्वल टू कंपोनेंट कितने होंगे, तीन कंपोनेंट, ठीक है। और क्योंकि ये आइसोबारिक है तो हम यहां पे थ्री प्लस वन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल है, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम कितनी है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास, यानी कि हम तीन वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, प्लस किसी दो कंपोनेंट को हम चेंज कर सकते हैं, किसी दो कंपोनेंट को चेंज करने का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली हम तीसरे कंपोनेंट को पास, तीसरे कंपोनेंट का हमारा जो कंपोजिशन रहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट, जो मैंने पहले समझाया था आपको। सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली टू कंपोनेंट्स हियर एंड अ टेम्परेचर एज अ वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को कूल डाउन करते हैं टू 1700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1700 डिग्री सेल्सियस पे इस आइसोथर्म पे ये कूल डाउन हो गया, यानी कि ये वैली में कहा गया, इमेजिन इट एज लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट है, नीचे लोएस्ट होगा। लेट्स से कि लिक्विड ये हमारी आइसोथर्म है 1700 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो लिक्विड पहले ए था, यहाँ पे पूरा लिक्विड था, अब हमने टेम्परेचर ड्रॉप किया, अब ये लिक्विड सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1700 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, दिस वन। अब क्या होगा कि 1700 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचेगा, वैसे हमारा पहला जो जो ये वाला फील्ड है वो किसका फील्ड है, फॉरेस्टोइड का फील्ड है, तो पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, फॉरेस्टोइड का बनेगा, और धीरे धीरे करके ये ऐसे जाके इस वाली लाइन पे पहुंचेगा, कोटेक्टिक लाइन पे, ठीक है। तो
अब यहां हम देखते हैं कि कैसे पहुंचेगा। ओके, तो जैसे ही 1700 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, वैसे ही हमारा फॉरस्ट्राइट बिगिंस टू क्रिस्टलाइज। एंड इसका कंपोजिशन कैसे प्लॉट करेंगे हम कि भाई कौन सा सॉलिड बन रहा है? तो एक जो पॉइंट है यहां से हम डायरेक्ट लाइन खींचेंगे, डैश लाइन जो आपको दिख रही है, फॉरस्ट्राइट एपिक्स पे जाएंगी। यानी कि यहां पे 100% जो क्रिस्टल बनेगा वो 100% क्या होगा? फॉरस्ट्राइट होगा, बिकॉज द फील्ड इज ऑफ फॉरस्ट्राइट प्लस लिक्विड, राइट। और यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हैं, पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन। ठीक है, वन क्यों है? क्योंकि आइसोबारिक सिस्टम है। फेज अब यहां पे कितने हो जाएंगे? दो फेज हो जाएंगे, एक तो लिक्विड रहेगा और हमारे पास क्योंकि फॉरस्ट्राइट भी क्रिस्टलाइज हो रहा है तो लिक्विड प्लस सॉलिड फेज हो गए, यानी कि दो फेज हो गया। कंपोनेंट हमारे पास तीन ही रहेंगे प्लस वन, तो एफ इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास टू आ जाएगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू टू। नाउ एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड, फॉरस्ट्राइट कंटिन्यूज टू क्रिस्टलाइज फ्रॉम द लिक्विड, डिप्लीटिंग द लिक्विड इन एफ ओ कंपोनेंट। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हम लो कर रहे हैं, यानी कि 1700 से 1600 जाएंगे, फिर 1500 जाएंगे, 1400 जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा? क्योंकि लिक्विड से हमारा फॉरस्ट्राइट बन रहा है तो जो वो लिक्विड रहेगा वो फॉरस्ट्राइट में डिप्लीट हो जाएगा, यानी कि फॉरस्ट्राइट उस लिक्विड में कम होता जाएगा, राइट। और आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि लेट्स से कि हमारे पास लिक्विड है एक, ठीक है, लिक्विड का बीकर है वही वाला, और इसको मैं टेम्परेचर इसका डाउन करता जा रहा हूं तो हमारे पास फॉरस्ट्राइट के क्रिस्टल बनते जा रहे हैं। अब ये फॉरस्ट्राइट के क्रिस्टल बनते जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो ये लिक्विड होगा ये फॉरस्ट्राइट में डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारा फॉरस्ट्राइट क्रिस्टलाइज हो रहा है, एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी एनरिच्ड इन डायऑक्साइड एंड एनोर्थाइट। ओके, तो ये कहना चाह रहा हूं। नाउ सो द लिक्विड विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी हियर, और बी कौन सा पॉइंट है? ये कोटेक्टिक लाइन पे है। ओके, तो जैसे एरो यहां पे दिखा रहा है, ए से ये बी की तरफ मूव करता जाएगा। अब क्या होगा, जो ये रिएक्शन यहां पे होगा वो कैसा वाला रिएक्शन होगा? जो लिक्विड वन है वो बनाएगा हमारा फॉरस्ट्राइट प्लस लिक्विड टू। ठीक है, तो लिक्विड वन बनाएगा फॉरस्ट्राइट प्लस लिक्विड टू। ठीक है, ये रिएक्शन यहां पे हो रहा है हमारा, और कैसे रिएक्शन है? कंटिन्यूअस रिएक्शन है, यानी कि कंटिन्यूअसली लिक्विड ठंडा होते होते क्रिस्टलाइज भी हो रहा है और दूसरा लिक्विड भी बना रहा है। ओके, सो यहां जो जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, लिक्विड टू विल बिकम इंक्रीमेंटली मोर कैल्साइट कैल्सियम एंड एल्यूमिनियम रिच, यानी कि डाइऑक्साइड, आपको पता है डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CmgSi2O6। ठीक है, तो यानी कि ये C में रिच होता जा रहा है, और एनर्थाइट आपको पता है Cl2Si2OH। ठीक है, तो ये एल्बाइड में भी रिच होता जा रहा है लिक्विड। अब हम अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं लीवर रूल के जरिए। ठीक है, तो अभी हम लीवर रूल भी पढ़ेंगे, लीवर रूल को कैसे अप्लाई किया जाएगा इसको भी हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, लेकिन अभी हम पाथ देख रहे हैं सिर्फ। नाउ जैसे ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा वैसे क्या होगा? वैसे क्या होगा? डायऑक्साइड का क्रिस्टल बनेगा यहां पे, जैसे यहां पे पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि जैसे बी पॉइंट पे पहुंचेगा वैसे ही, क्योंकि ये जो कोटेक्टिक लाइन है वो डायऑक्साइड वाले फील्ड को जोड़ रही है। ठीक है, दिस लाइन, दिस लाइन हियर, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट बी हियर। तो जैसे ये बी पे पहुंचेगा वैसे ही हमारा पहला डायऑक्साइड का क्रिस्टल क्रिस्टलाइज होगा। ओके, सो डायऑक्साइड जॉइंस द फॉरस्ट्राइट, और यहां पे हमारे पास तीन फेज आ गए। ठीक है, एक तो लिक्विड आ गया, दूसरा फॉरस्ट्राइट आ गया, एंड तीसरा डायऑक्साइड आ गया। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। नाउ फर्दर कूलिंग द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर कूल करेंगे तो इसका पाथ इस पॉइंट एम की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ जाएगा, और ऐसे कूल होते होते ये यहां पे पहुंच जाएगा एम पॉइंट पे। ठीक है,
लेट मी इरेज इट फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो पहले ए से बी पे पहुंचा, फिर बी से एम की तरफ। तो जैसे बी पे पहुंचेगा तो डायऑक्साइड का क्रिस्टल भी क्रिस्टलाइज होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे फॉरेस्टेड डायऑक्साइड क्रिस्टलाइज होते होते एम पॉइंट पे पहुंचेंगे, और जैसे ही एम पॉइंट पे पहुंचेगा तो पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, एनोर्थाइट का बनने लग जाएगा। और ये तब तक बनेगा जब तक पूरा का पूरा जो इनिशियल लिक्विड था वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसे ही पूरा लिक्विड कंज्यूम हो जाएगा तब जाके वो एम पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट है उसको हम बोलेंगे एम पॉइंट, ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी किसी बुक में इसको ई पॉइंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं टी लिखा हुआ होता है, ओके। तो ये विंटर की बुक है, तो विंटर में इस टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट को हमने एम पॉइंट बना रखा है, ठीक है। नाउ तो जैसे कि यहां पे लिख रहा है एम पॉइंट पे, यानी कि टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, लिक्विड वन विल प्रोड्यूस लिक्विड टू, सॉरी अच्छा ये बी पॉइंट का है, लिक्विड टू डाइऑक्साइड प्लस फॉरेस्टाइड, ये वाला रिएक्शन होगा हमारा एम पॉइंट पे। लिक्विड विल प्रोड्यूस डाइऑक्साइड एनोर्थाइड एंड फॉरेस्टाइड, लेकिन जो कंटिन्यूस जो रिएक्शन रहेगा ये डिसकंटिन्यूस रिएक्शन रहेगा, बिकॉज द होल फेज विल गेट कंज्यूम्ड, होल लिक्विड फेज विल गेट कंज्यूम्ड, ओके। और यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जीरो रहेगी, क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस वन। पी हमारे पास फोर फेज हो जाएंगे, लिक्विड भी रहेगा साथ में, डाइऑक्साइड एनोर्थाइड एंड फॉरेस्टाइड के क्रिस्टल भी रहेंगे, ओके। तो फोर प्लस एफ इज इक्वल टू कंपोनेंट कितने हैं, तीन प्लस फोर, तो जीरो, राइट। तो एम पॉइंट पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिमेंबर फेज विल बी लिक्विड, तो रहेगा क्योंकि लिक्विड का रिएक्शन तो हो ही रहा है, डायऑक्साइड भी हमारा बन रहा है, एनोर्थाइड भी बन रहा है एंड फॉरेस्टाइड भी बन रहा है। नाउ अंटिल अ फेज, इन दिस केस लिक्विड इज कंज्यूम्ड, ओनली देन वी डू गेन अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे ही पूरा का पूरा लिक्विड कंज्यूम हो जाएगा हमारा, वैसे ही हमारा फेज कितने हो जाएंगे, फिर तीन फेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो वापस हमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वी विल गेन, एंड देन द टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो, दैट इज बिलो द 1270 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इन दिस केस 1270 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली द टर्नरी यूटेक्टिक टेम्परेचर। और F तो F यहां पे 1 हो जाएगा, ओके। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब क्या है, यानी कि यहां पे M पॉइंट पे जब तक लिक्विड कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहेगी, यानी कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर फिक्स रहेगा 1270 डिग्री सेल्सियस, कंपोजिशन भी यहां पे फिक्स रहेगा, और प्रेशर तो फिक्स है ही। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस इजी है, दूसरा केस अगर हम लिक्विड डी लेते हैं जो कि एनोर्थाइट एंड लिक्विड वाले फील्ड में है, एंड इफ वी ड्रॉप द टेम्परेचर अगेन, ओके, यहां से तो ये ई पॉइंट पे पहुंचेगा, पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, फॉरेस्टाइड फील्ड का है, तो फॉरेस्टाइड का क्रिस्टल बनेगा, और ये फिर वापस एम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और फिर पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, डाइऑक्साइड का क्रिस्टल बनेगा यहां पे, और तब तक बनता रहेगा जब तक इनिशियल लिक्विड कंज्यूम नहीं हो जाता पूरा, ओके। सो बिकॉज देयर इज नो सॉलिड सॉल्यूशन, द लिक्विड इवोल्यूशन पाथ फॉर द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन विल बी द सेम एज फॉर द लिक्विड, सॉरी एज फॉर द इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। तो क्योंकि यहां पे सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, तो चाहे इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन हो चाहे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो, पाथ दोनों का सेम रहेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। एंड सॉलिड का कंपोजिशन हम यहां से देख सकते हैं डैश लाइन निकाल के कहीं किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो लेट्स से कि हमें देखना है सॉलिड, देखो इस लाइन पे तो सॉलिड का कंपोजिशन क्या रहेगा, 100% फॉरेस्टेट रहेगा बी पॉइंट तक जाते जाते, जैसे बी पॉइंट पे पहुंचेगा वैसे ही फॉरेस्टेट का कंपोजिशन रहेगा। अब जैसे यहां से शुरू हो जाएगा थोड़ा सा इधर, तो हम यहां से ऐसे डैश लाइन खींच के ए से गुजार के
ऐसे कर सकते हैं। तो ये यानी कि यहां पे 100% फॉरेस्ट रेट है, यहां पे अब क्या हो जाएगा, लेट्स से कि 80% फॉरेस्ट रेट। जैसे जैसे यहां जाता जाएगा वैसे वैसे फॉरेस्ट रेट कम होता जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन गुजारनी है ए से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही मेरी, लेट मी जस्ट यूज द ओके। तो अभी यहां तक 100% फॉरेस्ट रेट, जैसे लेट से कि यहां पे पहुंचा तो मैं ए से गुजारूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड का कंपोजिशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना रहेगा, लेट से कि 85% फॉरेस्ट रेट है, ओके। और बाकी कितना बन रहा है अभी, 15% डाइऑक्साइड, राइट। तो ऐसे ऐसे करके लेट से कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो यहां पे कुछ आ रहा है इस वाली लाइन पे। तो यहां पे हमारा लेट से कि 70% फॉरेस्ट राइट है एंड 30% डायऑक्साइड है। लेकिन जैसे एम पे पहुंचेगा तो हमारा क्या क्रिस्टल बनेगा, किसका, पहला क्रिस्टल एनोर्थाइट का बन जाएगा, ठीक है। दिस इज टीडियस, तो यहां पे मैं सिर्फ यहां से दिखा सकता हूं आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको मेन कंपोजिशन से लाइन खींचनी है और आपको बल्क कंपोजिशन सॉलिड का मिल जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं कि लीवर रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, राइट। तो यहां पे थोड़ा हमने इलस्ट्रेशन में पॉइंट्स थोड़ा अलग अलग किए गए हैं, ठीक है। यहां पे M की जगह E पॉइंट को ले लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड X जो हमारा मेन बल्क कंपोजिशन था A, उसको हमने X यहां पे ले रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इमेजिन दिस एज दिस सिस्टम जिसमें फॉरेस्ट राइट, डायऑक्साइड, एनोर्थाइट है, कुछ भी हो सकता है इस वाले में, ठीक है। तो लेट्स से कि ये वाला फॉरेस्ट राइट है, ये वाला एनोर्थाइट है एंड ये वाला डायऑक्साइड है, ठीक है। क्योंकि मुझे और दूसरा डायग्राम नहीं मिला था, तो दैट्स व्हाई यहां पे थोड़ा पॉइंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन आप इजी है समझने के लिए, ठीक है। तो ये टर्नरी यूटेक्टिक पॉइंट है ई, जो पहले विंटर वाली जो डायग्राम था इसमें इसको एम दे रखा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो लीवर रूल कैसे लगाना है, लेट्स से कि मेरे पास कंपोजिशन एल है यहां पे, ठीक है। हमने एक्स लिक्विड को कूल किया, एक्स को कूल किया और कूल होते होते लेट्स से कि वो एल पे आ गया, ठीक है। ये हमारा डाइऑक्साइड, सॉरी फॉरेस्ट रेट प्लस लिक्विड वाला फील्ड है, ठीक है। और ये कोटेक्टिक लाइन है और यहाँ हमारा अनर्थाइट एंड लिक्विड है, ठीक है। तो अगर हमने एल का जानना है कि भाई एल पे कितने क्रिस्टल परसेंट क्रिस्टल बनेंगे हमारे और कितने परसेंट लिक्विड बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, एल से डायरेक्ट लाइन खींचेंगे, ठीक है। और वो एक्स से गुजरेगी, यानी कि बल्क कंपोजिशन से गुजरेगी। लेट मी जस्ट जूम इन रिवाइज। ओके, मच बेटर। ऑलराइट, तो लेट्स से कि मैंने एक्स बल्क कंपोजिशन लिया एंड अब वो टेम्परेचर ड्रॉप करके मैं एल पे पहुंचा। अब मुझे जानना है कि भाई एल पे कितने परसेंट क्रिस्टल बनेंगे एंड कितना परसेंट लिक्विड बनेगा हमारा, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची एपेक्स पे, एपेक्स तक, ओके, एपेक्स तक खींची और L से लेके X तक, यानी कि L से लेके X पॉइंट तक एंड X से लेके C पॉइंट तक, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, लाइन का डिस्टेंस। तो ये हमने पहला डिस्टेंस लिया L, LX का डिस्टेंस हमने मान लिया। लेट्स से कि LX इज A, A यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये सेंटीमीटर में हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रिड्स पैटर्न भी दे रखे होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में होगा तो ग्रिड पैटर्न दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि LX इज A यूनिट्स, ठीक है, जनरली ये डिस्टेंस होता है। एंड एक्स सी इज बी यूनिट्स, ठीक है,
जैसे कि आप सॉलिड सॉल्यूशन में लिवर रूल करते हो सिमिलर टू दैट यूनिट हियर, तो परसेंट ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, ये हमारा परसेंट क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए दैट इज एल एक्स अपॉन ए प्लस बी, यानी कि पूरा डिस्टेंस एल और सी का डिस्टेंस टोटल, ओके। एंड परसेंट ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, बी यानी कि इस इधर वाला पोर्शन अपॉन ए प्लस बी, दैट इज होल डिस्टेंस, दैट इज एल सी वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बात रही कंपोजिशन एल की। लेट से कि मैं अब कोटेक्टिक लाइन के बाद एम पॉइंट पे पहुंच गया हूं और मुझे एम पॉइंट का कंपोजिशन जानना है, तो एम पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, यहां से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा थ्रू एक्स थ्रू दिस बल्क कंपोजिशन पॉइंट, और ये डायरेक्ट मैं यहां पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली यहां आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर टू इट वी विल यूज दैट सेम रूल, परसेंट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस एम एक्स ओके अपॉन डिस्टेंस एम एन, ठीक है, एम एन यानी कि टोटल डिस्टेंस इंटू 100, ओके। और लिक्विड के लिए जाएगा ना डिस्टेंस एक्स एम अपॉन डिस्टेंस एम एन इंटू 100। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे अब दो क्रिस्टल हमारे बन रहे हैं, राइट, इस दिस कोटेक्टिक लाइन पे। तो उसके लिए निकालने के लिए हमें थोड़ा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कि जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि नोट हाउएवर दैट सॉलिड एट दिस पॉइंट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल ए एंड क्रिस्टल ऑफ सी, राइट, यानी कि फॉरस्टेड का क्रिस्टल एंड सॉरी डायऑक्साइड का क्रिस्टल एंड फॉरस्टेड का क्रिस्टल यहां पे बन रहे हैं। अभी तक ये इस वाली लाइन पे तो सिर्फ फॉरस्टेड का क्रिस्टल बन रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे इस कोटेक्टिक लाइन पे हम पहुंचेंगे तो डायऑक्साइड एंड फॉरस्टेड का क्रिस्टल भी बनना चालू हो जाएगा, ओके। तो उसको जानने के लिए कि भाई कितना फॉरस्टेड बना है और कितना कितना डायऑक्साइड बना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंट ऑफ ए इन सॉलिड यानी कि परसेंट ऑफ डायऑक्साइड इन सॉलिड, ठीक है, तो डिस्टेंस एन सी अपॉन डिस्टेंस ए सी। अब ये एन सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस एन सी अपॉन डिस्टेंस टोटल ए सी, ये टोटल डिस्टेंस, ओके, इनटू 100। और सिमिलरली परसेंट ऑफ सी इन सॉलिड, परसेंट ऑफ सी इन सॉलिड तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस एन सी अपॉन सॉरी डिस्टेंस ए एन अपॉन डिस्टेंस ए सी, ओके, डिस्टेंस ए एन यानी कि ये वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, ओके, इनटू 100। एंड देन वी कैन नाउ कैलकुलेट द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ ऑल फेसेस इन कंपोजिशन एक्स एट टेम्परेचर 660 डिग्री सेल्सियस वेयर लिक्विड कंपोजिशन इज एट पॉइंट एम। तो अगर हम पॉइंट एम पे जानना चाहें कि ठीक है, तो पॉइंट एम पे हम टोटल जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, फिर परसेंट ऑफ ए क्रिस्टल दैट इज परसेंट ऑफ ए इन सॉलिड इनटू परसेंट ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो परसेंट ऑफ ए इन सॉलिड तो हमने निकाल दिया ये वाला, इनटू जितना परसेंट ऑफ क्रिस्टल हमें मिल रहा था यहां पे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इनटू परसेंट ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, तो तब जाके हमें टोटल मिल जाएगा। ओके, तो ये बात रही लीवर रूल की। तो मैं इसको इसमें भी दिखा देता हूं कि कैसे यूज करना है इसको। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं इसमें समझा देता हूं, ठीक है। ओके, तो उसने क्या बताया, ए पॉइंट को हमने यहां पे एक्स माना हुआ है, ठीक है, और बी पॉइंट को हमने यहां पे ओ माना हुआ है, और ये वाला पॉइंट यहां पे नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है हमारा,
लेट से कि ये ए बी सी, लेट से ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि भाई जैसे हमने ए को कूल किया और लेट से कि ये एल पॉइंट है, अब मैं बोलूंगा कि भाई एल का कंपोजिशन में एल वाले पॉइंट पे हमें कितने परसेंट क्रिस्टल बने हैं और कितने परसेंट हमारा लिक्विड बना है, ठीक है। तो मैं नापूंगा यहां का डिस्टेंस पहले, दैट इज योर एल ए एंड ए टू एफ हियर, ठीक है, ए टू एफ दैट इज फॉरस्ट्राइड, ए टू फॉरस्ट्राइड। तो परसेंट ऑफ क्रिस्टल कितना हो जाएगा फॉर एल कंपोजिशन, डिस्टेंस एल ए अपॉन टोटल डिस्टेंस ऑफ एल टू एफ ओ इंटू 100, ये होगा हमारा परसेंट ऑफ क्रिस्टल फॉर दिस कंपोजिशन। एंड परसेंट ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, ए एफ ओ डिस्टेंस अपॉन टोटल दैट इज योर एल एफ ओ डिस्टेंस इंटू 100, राइट। ये तो कहना चाह रहा है वो, ठीक है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है, एल टू सी। सो दिस इज हाउ वी विल डू फॉर कंपोजिशन सी। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सी से, लेट्स से, ठीक है, सी से थ्रू द बल्क कंपोजिशन ए, ठीक है, जो भी हम बल्क कंपोजिशन यहां से ले रहे हैं, ठीक है, ये लाइन आ गई हमारी, यस ये लाइन आ गई हमारी, ओके। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, रिमेंबर ऑल द लिवर लाइन्स शुड पास थ्रू द बल्क कंपोजिशन, जो हमने इनिशियल बल्क कंपोजिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास दो डिस्टेंस आ गए, एक तो हम आ गया हमारा सी एंड ए, एंड दूसरा लेट्स से कि ये पॉइंट है डी, और दूसरा डिस्टेंस आ गया ए डी, या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी डी इज योर टोटल डिस्टेंस हियर, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे बोल रहा है परसेंट ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज परसेंट ऑफ सॉलिड, डिस्टेंस एम एक्स, ठीक है, इसके लिए तो डिस्टेंस एम एक्स यानी कि डिस्टेंस सी ए, डिस्टेंस सी ए अपॉन टोटल डिस्टेंस दैट इज योर सी डी इंटू 100, ओके, एंड परसेंट ऑफ लिक्विड ए डी, यानी कि ए डी अपॉन टोटल डिस्टेंस दैट योर सी डी इंटू 100, ये हमारा परसेंट ऑफ लिक्विड आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहां पे तो डाइऑक्साइड और फॉरेस्टेड भी बन रहा है, तो हमें इंडिविजुअली निकालना है कितना परसेंट डाइऑक्साइड बन रहा है, कितना परसेंट फॉरेस्टेड बन रहा है, तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। That is, अगर हमने जानना है कि कितना परसेंट डाइऑक्साइड बना हुआ है, जैसे कि यहां पे बता रहा हो, कितना परसेंट डाइऑक्साइड बन रहा है, तो टोटल डिस्टेंस, ओके, तो लेट्स से कि कितना परसेंट ऑफ डाइऑक्साइड एट पॉइंट सी विल बी ये डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन डाइऑक्साइड और फॉरस्ट्राइड के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज योर डी एफ ओ अपॉन डाइऑक्साइड फॉरस्ट्राइड का टोटल डिस्टेंस अपॉन 100, और सिमिलरली फॉरस्ट्राइड का हमें जानना है तो डी आई और डी के बीच का डिस्टेंस अपॉन डी एफ ओ का डिस्टेंस इंटू 100, तो इससे हमें परसेंट ऑफ क्या निकल जाएगा, डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और फिर हम टोटल इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो परसेंट ऑफ डाइऑक्साइड निकल गया इनटू क्रिस्टल्स परसेंट, परसेंट ऑफ फॉरस्ट्राइड निकल गया इनटू क्रिस्टल परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टोटल आ जाएगा, ओके। तो ये था हमारा टर्नरी यूटेक्टिक सिस्टम, ओके, ऑलराइट। और इसको हम डाइऑक्साइड एनर्थाइट फॉरेस्टेड सिस्टम कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, और ये बसाल्टिक मॉडल का सबसे, यानी कि बसाल्ट रॉक के लिए सबसे कॉम्प्रेहेंसिव, यानी कि बेस्ट टर्नरी सिस्टम या बेस्ट मॉडल माना जाता है, ओके, कंपेयर टू अदर टू बाइनरी सिस्टम, ओके,
इज योर डायऑक्साइड एनोर्थाइट या फोरस्टेट सिलिका सिस्टम। इनसे ज्यादा अच्छा मॉडल ये वाला मॉडल माना जाता है जो हमने अभी पढ़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप फीडबैक जरूर देना, कुछ आपको गलतियां लगी हुई हैं, ठीक है। इफ यू थिंक दैट देयर आर एनी मिस्टेक्स प्लीज कमेंट डाउन, ओके, मैं रेक्टिफाई करूंगा आगे वीडियो में। ऑलराइट, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।